हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप भी फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स खेलते हो और इसमें आपको पिंग प्रॉब्लम का प्रॉब्लम आता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, पिंग प्रॉब्लम क्या आता है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि पिंग तो सही रहता है जब आप गेम खेलते हो तो पिंग है वो सही रहता है, लेकिन होता क्या है जब आप लूट करते तो लूट नहीं हो पाती, इसके बाद जोन में फंस जाते हो, रिलोड नहीं होता है, लूट नहीं कर पाते हो, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से सही कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पूरा बैक आ जाना है। ओके, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ गाइस। ओके, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आपको बैक आ जाना है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपको स्वाइप मतलब आप डेटा ऑन करते हो, मतलब अपना मोबाइल डेटा ऑन करते हो, वहाँ पर आपको आ जाना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल डेटा है इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, लॉन्ग टाइम दबा के रखना है उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर टैप करके रखता हूँ मोबाइल डेटा के ऊपर। इसके बाद मैं वही पेज पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आ देखते वही पेज पर मैं आ चुका हूँ। आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जिस भी सिम में आप नेट चलाते हो, जिस भी सिम में आपका मोबाइल डेटा चलता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 5G मिलेगा, 4G करने का ऑप्शन मिलेगा, 3G करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक्सेस पॉइंट नाम का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर अलग भी ऑप्शन हो सकता है APN नाम से, मतलब APN का नाम ही फुल फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट नाम। ओके, तो यहाँ पर आपके मोबाइल के अंदर APN भी मिल सकता है, एक्सेस पॉइंट नाम भी मिल सकता है। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जो भी हो आपको बता दिया। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, सिंपल आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, APN सेटिंग में आपको कोई भी यहाँ पर छेड़छाड़ी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके ओके गाइस, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। ओके गाइस, इसके ऊपर आपको टैप करना है। ओके, रीसेट कर देना आपका जो APN सेटिंग है इसको आपको रीसेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं रीसेट कर देता हूँ। किसी ने छेड़छाड़ की होगी APN सेटिंग में तो आपको जो फ्री फायर में और फ्री फायर मैक्स में पिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर मतलब APN सेटिंग है वो रीसेट करवा रहा हूँ। ओके गाइस, समझ गए ना। तो गाइस, तो यहाँ पर मैं रीसेट कर देता हूँ, आपको भी इस तरीके से APN सेटिंग है वो रीसेट कर देना है। ओके, रीसेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट आपको फ्री फायर आपको ओपन नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अपने फ़ोन को आपको रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है, पावर ऑफ करके पावर ऑन करना है। इसके बाद आपको फ्री फायर प्ले करना है, इसके बाद आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा, और प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा इसी से। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस तरीके से आप प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तो गाइस बाय बाय।